सो टॉपिक है द टूथ प्रिपरेशन का, और अभी हम देखेंगे द प्रिंसिपल्स ऑफ टूथ प्रिपरेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ टूथ प्रिपरेशन में पांच पॉइंट्स होते हैं। पहला होता है प्रिजर्वेशन ऑफ टूथ स्ट्रक्चर, दूसरा होता है रिटेंशन एंड रेजिस्टेंस, थर्ड होता है स्ट्रक्चरल ड्यूरेबिलिटी, फोर्थ होता है मार्जिन इंटीग्रिटी, और फिफ्थ होता है प्रिजर्वेशन ऑफ पेरिडोन्शियम। तो प्रिजर्वेशन ऑफ टूथ स्ट्रक्चर जो है उसको मूलर डिवान ने स्टेट किया था, मतलब डिफाइन किया था, दैट द परपेचुअल प्रिजर्वेशन ऑफ व्हाट रिमेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द मेटिकुलस रिप्लेसमेंट ऑफ व्हाट इज लॉस्ट। इसका मतलब ये होता है कि जो लॉस्ट हुआ है, या फिर जो हम रिडक्शन करने पर जो हमारा टूथ का फॉर्म जो लॉस्ट हुआ है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि प्रिजर्वेशन करना, प्रिजर्व करना, जो हमें एक टूथ प्रिपरेशन के वक्त चाहिए होता है। केयर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट एक्सेसिव टूथ प्रिपरेशन। केयर लेना है, ऑब्वियसली बात है। देर शुड बी नो मिनिमल पॉसिबल रिडक्शन डन टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। कोई मिनिमल पॉसिबल रिडक्शन ऑब्टेन करना चाहिए रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक को पाने के लिए। ग्रोसली डिकेटेड टीथ शुड बी रिटेन विद द हेल्प ऑफ डॉवेल कोर्स, कास्ट पोर्स एंड ऑनलेस। जो ग्रोसली डिकेटेड टूथ होते हैं वो डॉवेल कोर्स, कास्ट पोर्स और ऑनलेस से हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है रिटेंशन एंड रेजिस्टेंट फॉर्म। रिटेंशन प्रिवेंट्स द रिमूवल ऑफ द रेस्टोरेशन along the path of insertion on the long axis of the tooth. It can be defined as the ability of the preparation to prevent displacement of the restoration in a direction opposite to the path of insertion. Retention ka meaning hota hai the ability of the preparation to prevent displacement of the restoration in a direction opposite to the path of insertion. One of the major sources of retention is in a fixed partial lynches tensor friction. Ab retention jo hai, retention ka meaning ye hota hai ki agar koi external forces lag rahi hain tooth pe, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस अगर टूथ पे लग रही हैं, तो वो एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण वो टूथ स्ट्रक्चर जो है, या फिर उस पर जो कैप चढ़ी हुई है, वो ऑल्टर ना हो, या फिर निकल के ना, या फिर टूटे ना, तो उसको कहते हैं रिटेंशन। मतलब वो रिटेंट करे, अपनी ही जगह पे बने रहे वो, है ना। तो दो तरह के रिटेंशन होंगे, एक तो होंगे प्राइमरी रिटेंशन और एक होंगे सेकेंडरी रिटेंशन। जो प्राइमरी रिटेंशन है उसमें हम देंगे स्लिप रिटेंशन, प्रोवाइड करेगा अपोजिंग वर्टिकल सर्फेस ऑफ टूथ प्रिपरेशन। उसका जो वेज टाइप रिटेंशन है वो इंट्रा कोरोनल रेस्टोरेशंस में होगा। और जो सेकेंडरी रिटेंशन है, वो रिटेंशन ऑब्टेन करते हैं हम लोग पिंस, बॉक्सेस और ग्रुप से, जिसको हम सेकेंडरी रिटेंशन कहते हैं। जैसे कि पहले ही कहा गया, रिटेंशन रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ द प्रोस्थेसिस टू रेजिस्ट डिस्प्लेसमेंट बाय फोर्सेस डायरेक्टेड इन एन अपाइकल और ऑब्लिक डायरेक्शन। जो रेजिस्टेंस है वो एबिलिटी ऑफ द प्रोस्थेसिस का डिस्प्लेसमेंट फोर्स को रेजिस्ट करने का अपाइकल और ऑब्लिक डायरेक्शन में। दिस प्रिवेंट्स एनी मूवमेंट ऑफ द रेस्टोरेशन एंड ऑक्लूजल फोर्स। और ऑक्लूजल फोर्स पे जो भी मूवमेंट होता है रेस्टोरेशन पे, वो प्रिवेंट करता है। रिटेंशन और रेजिस्टेंस रेसिप्रोकेटिव होते हैं एक दूसरे से, और एक ऑप्टिमल बैलेंस बना रहता है इन दोनों में प्रिपरेशन के दौरान। अब जो हम देखेंगे वो होगा द फॉलोइंग फीचर्स इन ए प्रिपरेशन शुड बी डिजाइन टू स्ट्राइक द बैलेंस बिटवीन रिटेंशन एंड रेजिस्टेंस फॉर्म। अब जो हम नेक्स्ट फीचर्स देखेंगे वो रेजिस्टेंस और रिटेंशन फॉर्म को लाने के लिए किया जाता है, तो वो क्या क्या है। वो है टेपर। पहला होगा द टेपर। द डिग्री ऑफ टेपर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिटेंशन फॉर्म। जीरो डिग्री टेपर इज मोस्ट रिटेंटिव बट इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन। द सम ऑफ द डिग्री ऑफ टेपर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस। फॉर ऑप्टिमम रिटेंशन 4 डिग्री 10 डिग्री कन्वर्जेंस इज सफिशियंट। इसका मतलब ये है कि जो टेपर होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिटेंशन फॉर्म से, और जीरो डिग्री टेपर जो एक्चुअल एक आइडियल टूथ प्रिपरेशन का एक पार्ट है, वो एक्चुअली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है देना। वो एक्चुअली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है देना, बट जब दे देते हैं, द सम ऑफ डिग्री जब दे देते हैं, तो वो कन्वर्जेंस हो जाएगा। फॉर ऑप्टिमम रिटेंशन 4 डिग्री 10 डिग्री कन्वर्जेंस सफिशिएंट होता है। एक ऑप्टिमम रिटेंशन के लिए 4 डिग्री 10 डिग्री रिटेंशन काफ़ी होता है। जब मैंडिबुलर प्रीमोलर की बात होती है तो वो 9 डिग्री टिल्टेड रहती है, और रिडक्शन शुड नॉट बी प्रिपेयर्ड परपेंडिकुलर टू द ऑक्लूजल प्लेन। जो रिडक्शन होगा वो परपेंडिकुलर नहीं होगा ऑक्लूजल प्लेन की, इंस्टेड बल्कि द एंटायर प्रिपरेशन शुड बी लिंगुअली इंक्लाइन। वो लिंगुअल साइड पे इंक्लाइन रहेगा। अ टेपरिंग फिशर डायमंड इज आइडियल टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड टेपर फॉर एनी प्रिपरेशन। दिस डायमंड इज डिजाइन विद अ 3 डिग्री टेपर। हैंस इफ द ऑपरेटर अलाइंस द डायमंड पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ ड्यूरिंग टूथ प्रिपरेशन, अ 6 डिग्री कन्वर्जेंस विल बी प्रोड्यूस्ड। ओके, नाउ बात करते हैं फ्रीडम ऑफ डिस्प्लेसमेंट की। लिमिटिंग द फ्रीडम ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टॉकिंग एंड ट्विस्टिंग फोर्सेस एड टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेस्टोरेशन। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, द सिलेंडर्स विथ मिनिमल टेपर प्रोड्यूस एक्सीलेंट फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। अगर आप सिलेंडर टाइप की
रिडक्शन करते हो, जीरो डिग्री टेपर देखिए तो एक्सीलेंट फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बनती है। देखिए लिंगुअली टिल्टेड प्रीमोलर्स शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ लिंगुअल पाथ ऑफ इंसर्शन एंड नॉट द वर्टिकल पाथ ऑफ इंसर्शन। मतलब बोला ये जा रहा है कि अगर लिंगुअली टिल्टेड है कोई टूथ तो प्रिपेयर हमें लिंगुअली ही करना होगा, ना कि वर्टिकली करना होगा सीधा। ये देखिए व्हेन अ टेपरिंग फिशर डायमंड इज हेल्ड पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस फॉर टू डिग्री प्रिपरेशन द नेसेसरी टेपर 3 डिग्री इज ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस्ड। हमें बर को आला टेसा नहीं करना है, वर्टिकली रखना है, तो ऑटोमेटिकली 3 डिग्री टेपर आ जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। अ सिंगल पाथ ऑफ इंसर्शन प्रोवाइड्स बेस्ट रिटेंशन, जनरल टेपर ऑफ द प्रिपरेशन डिटरमाइंस द पाथ ऑफ इंसर्शन ऑफ अ रेस्टोरेशन। और सबसे मेन बात यह होती है टू प्रिपरेशन में कि आपको आपका जो पाथ ऑफ इंसर्शन है और जो आपका पाथ ऑफ इंसर्शन और जो जहाँ से आप निकालेंगे वो सेम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं लेंथ की। लेंथ में पढ़ेंगे द ग्रेटर द हाइट ऑफ द क्राउन बेटर द रिटेंशन ऑफ द रेस्टोरेशन। जितना क्राउन का हाइट होगा उतना बेटर उसका रिटेंशन होगा रेस्टोरेशन का। जो लेंथ ऑफ द क्राउन है वो इम्प्रूव दो तरीके से होता है। फर्स्ट द हाइट ऑफ द प्रिपेयर टूथ शुड बी ग्रेटर देन द टिपिंग आर्क ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू प्रिवेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रेस्टोरेशन। जो हाइट ऑफ द प्रिपेयर टूथ है, जो कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी जो हाइट है वो ग्रेटर होनी चाहिए टिपिंग आर्क ऑफ डिस्प्लेसमेंट से, जो प्रिवेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रेस्टोरेशन का। दिस इज मोर एविडेंट इन मोलर टीथ वेर इन प्रिपरेशन आर यूजली शॉर्टर देन द आर्क ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये एक्चुअली देखा जाता है पोस्टीरियर टूथ में जो कि मोलर्स हैं उसमें। और सेकेंड जो है इंक्रीज इन हाइट इंक्रीजेज द एरिया ऑफ सीमेंटेशन देयर बाय इंप्रूविंग रिटेंशन। और दूसरा फैक्टर ये बोला गया है कि जब आप हाइट बढ़ाएंगे तो एरिया ऑफ सीमेंटेशन जो है वो रिटेंशन के साथ इम्प्रूव करेगा। ओके अब यहाँ बात आती है इंटरनल फीचर्स की। जो इंटरनल फीचर्स हैं उसको हम कब देते हैं। इंटरनल फीचर्स पहले क्या क्या है ये हम जानेंगे। इंटरनल फीचर्स होते हैं प्रॉक्सिमल ग्रूव्स, बॉक्सेस और रिटेंशन पिन होल्स जो इनकॉर्पोरेट होते हैं अगर जब कोई रेयर केसेस आ जाए, जैसे कि टिल्टेड हो टूथ या फिर मैलपोज टूथ हो या फिर डिकेड हो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो हम कहाँ कहाँ देंगे। इसका हम अप्लाई वहाँ करते हैं जहाँ ओवर टेपर प्रिपरेशन हो, ज़्यादा टेपर कर दिया हमने टेपरिंग बर से ज़्यादा उसको टेपर कर दिया टूथ को, या फिर जहाँ पार्शियल विनियर क्राउन्स होते हैं वहाँ कर दिए, या फिर एब्सेंस ऑफ टू अपोजिंग वॉल्स ड्यू टू केरीज के कारण दोनों का अपोजिंग वॉल एब्सेंट हो, वहाँ देंगे। रिटेंशन कैन बी इम्प्रूव इन फॉल्टी प्रिपरेशन बाय द प्लेसमेंट ऑफ इंटरनल फीचर्स विच आर एक्यूरेट एंड ईजी टू प्रिपेयर। जो रिटेंशन देंगे फॉल्टी प्रिपरेशन में तो इंटरनल फीचर्स देने के कारण एक्यूरेट और ईजी टू प्रिपेयर हो जाता है। जैसे कि पहले कहा गया पाथ ऑफ इंसर्शन एंड एक्सर्शन सेम होना चाहिए। पाथ ऑफ इंसर्शन क्या होता है, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन अलॉन्ग विच द रेस्टोरेशन विल बी प्लेस्ड ऑन टू और रिमूव फ्रॉम द प्रिपरेशन। इसका मीनिंग ये है पाथ ऑफ इंसर्शन का कि जिस पाथ से आप इंसर्ट कर रहे हो उसी पाथ से आपको निकालना भी है, मतलब उसको एक्सर्शन भी उसी पाथ से होगा, उसका निकलना भी उसी पाथ से होगा। यहाँ बोला गया है कि इफ़ बोथ आईज आर ओपन व्हेन द प्रिपरेशन इज व्यूड अंडरगर्ड्स मेरीमेंट अनडिटेक्टेड। इसका मतलब जब आप दोनों आँखों से देंगे प्रिपरेशन को देखेंगे तो अंडरकट्स अनडिटेक्टेड रहेगा, इसलिए एक आँख बंद करके देखना पड़ता है। इंट्राओरली द प्रिपरेशन कैन बी इवेल्युएटेड सर्वेड बाय व्यूइंग द प्रिपरेशन ऑन अ माउथ मिरर यूजिंग 1 आई 30 cm अवे फ्रॉम द प्रिपरेशन। जब आप पेशेंट के मुंह पे देखेंगे तो आपको माउथ मिरर लेके 30 cm दूर से या 12 इंचेस दूर से आपको एक आँख बंद करके देखना होता है। द फेशियल पाथ ऑफ इंसर्शन इज जनरली अवॉइडेड बिकॉज इट फॉर्म्स अ प्रोमिनेंट अनेस्थेटिक सर्वाइकल मार्जिन। फेशियल पाथ ऑफ इंसर्शन हम इसलिए नहीं देखते हैं ताकि वो अनएस्थेटिक के लिए वो सर्वाइकल मार्जिन जो है वो खराब दिखती है, इसीलिए मतलब अनएस्थेटिकली खराब दिखती है इसीलिए अवॉइड करते हैं। द मेसोडिस्टल इंक्लिनेशन ऑफ प्रिपेयर टूथ शुड बी पैरेलल टू द प्रॉक्सिमल इंक्लिनेशन ऑफ द एडजेसेंट टूथ। जो मेसोडिस्टल इंक्लिनेशन है वो प्रिपेयर टूथ का, वो उसके एडजेसेंट टूथ के प्रॉक्सिमल इंक्लिनेशन के साथ पैरेलल होना चाहिए, तभी टूथ प्रिपरेशन एक सही मायने में प्रिपेयर होगा। ये देखिए द पाथ ऑफ इंसर्शन ऑफ द प्रिपरेशन शुड बी पैरेलल टू द एडजेसेंट टीथ। एडजेसेंट टीथ की जो लिंगुअल इंक्लिनेशन है या फिर जो शेप और साइज है उसी शेप और साइज पे आपको जो टूथ प्रिपेयर कर रहे हैं वो करना होता है। स्ट्रक्चरल ड्यूरेबिलिटी जो है, अब आते हैं स्ट्रक्चरल ड्यूरेबिलिटी पे। स्ट्रक्चरल ड्यूरेबिलिटी होता है कम्स विद द थिकनेस ऑफ द रेस्टोरेशन। अ रेस्टोरेशन शुड कंटेन सफिशिएंट बल्क टू विदस्टैंड फोर्सेस।
बेसिकली यहाँ ये बोला गया है कि जब आप ड्यूरेबिलिटी की बात करते हो तो आप इस तरह प्रिपेयर करो, उसका थिकनेस ध्यान पर रखा करो। अगर आप थिकनेस ध्यान पर रखा करोगे तो जो आप कैप चढ़ाओगे उसके ऊपर, वो इन फ्यूचर अगर आप ऑक्लूजल फोर्स या फिर हैवी फोर्स लगाओगे तो वो टूटेगा नहीं। तो इस प्रकार से हमें, इस तरीके से हमें टूथ प्रिपेयर करना होगा कि उसकी थिकनेस बनी रहे, है ना, उसकी थिकनेस बनी रहे। तो यहाँ पे डिस्कस किया गया है अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन रिक्वायर्ड फॉर द कॉमनली यूज रेस्टोरेटिव मटेरियल्स। तो यहाँ पे डिस्कस हुआ है द प्रिपरेशन जो रिक्वायर होता है कॉमनली यूज रेस्टोरेटिव मटेरियल के लिए। तो कौन कौन से हैं वो? पहला है ऑक्लूजल रिडक्शन। जो ऑक्लूजल स्ट्रेंथ है वो सबसे वाइटल होता है रेस्टोरेशन के लिए, एक्ट डायरेक्टली ऑन ऑक्लूजल सर्फेस। तो इसलिए ऑक्लूजल सर्फेस की रिडक्शन सही होनी चाहिए। तो वो कैसे होनी चाहिए? गोल्ड अलॉय देखिए होनी चाहिए जो 1.5 mm क्लियर होती है फॉर द फंक्शनल कस्प एंड 1 mm क्लियर इन द नॉन फंक्शनल कस्प। पहली बात तो फंक्शनल नॉन फंक्शनल क्या होता है आपको समझा देते हैं। फंक्शनल होता है जहाँ पे फोर्सेस पड़ रही हैं अपोजिंग टूथ से, और नॉन फंक्शनल वो हैं जो फ्री हैं जिस पे कोई फोर्स नहीं पड़ रहा है। तो गोल्ड अलॉय देना होता है 1.5 क्लियरेंस फॉर द फंक्शनल कस्प एंड 1 mm क्लियरेंस इन द नॉन फंक्शनल कस्प। मतलब 1.5 mm देना होता है फंक्शनल कस्प पे और 1 mm क्लियर होना पड़ता है नॉन फंक्शनल कस्प पे। मेटल सिरेमिक रेस्टोरेशन रिक्वायर 1.5 टू 2 mm रिडक्शन इन द फंक्शनल कस्प, 2 mm इफ इट इज टू बी वीनियर्ड विद पोर्सलिन एंड 1 mm टू 1.5 mm रिडक्शन इन द नॉन फंक्शनल कस्प। ऑल सिरेमिक रेस्टोरेशन रिक्वायर मिनिमम ऑफ 2 mm रिडक्शन थ्रू आउट। इसके जो हम टूथ प्रिपेयर करते हैं वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे PFM, पोर्शन फ्यूज मेटल सिरेमिक रेस्टोरेशन, वीनियर, ऑल मेटल सिरेमिक, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब आते हैं हम लोग फंक्शनल कस्प बेवल के बारे में। इट इज़ प्रोवाइडेड टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ अदरवाइज थिन ऑक्लूजो एक्सियल जंक्शन ऑफ द रेस्टोरेशन। ये हम क्यों देते हैं? बेवल एक्चुअली होता है जो ये देख रहे हो आप, ये बेवल ऐसे प्रोड्यूस होता है ऐसे, सो कहते हैं डाइवर्जेंटली जो ऐसे प्रोड्यूस होगा वो, और कन्वर्जेंट ऐसे जो प्रोड्यूस होगा वो। ये प्रोवाइड करता है थिकनेस ऑफ अदरवाइज ऑक्लूजो एक्सियल जंक्शन ऑफ द रेस्टोरेशन। ये हो गया ऑक्लूजो और ये हो गया इसका एक्सियो। तो ऑक्लूजो एक्सियो जंक्शन जो रेस्टोरेशन का वहाँ प्रोवाइड करता है थिकनेस। ये देखिए द फंक्शनल कस्प बेवल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑक्लूजल रिडक्शन, लैक ऑफ फंक्शनल कस्प बेवल कैन कॉज अ थिन एरिया और परफोरेशन इन द कास्टिंग। फिर हम आते हैं एक्सियल रिडक्शन पे। एडिक्वेट एक्सियल रिडक्शन नेसेसरी फॉर स्ट्रक्चरल ड्यूरेबिलिटी के लिए एक्सेसिव नेसेसरी एडिक्वेट एक्सियल रिडक्शन जरूरी है। इनएडिक्वेट एक्सियल रिडक्शन में लीड टू ओवर कॉन्ट्रोवर्ड प्रॉक्सिमल सर्फेसेस। जो प्रॉक्सिमल सर्फेस होंगे वो इनएडिक्वेट एक्सियल रिडक्शन ना होने के कारण ओवर कॉन्ट्रोवर्ड हो जाएंगे, विच कैन लीड टू पेरियोडोंटल प्रॉब्लम्स, और आपके पेरियोडोंटल लिगामेंट में जाके वो प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। ओवर रिडक्शन लॉस रिटेंशन भी कराएगी। यूजुअली द एक्सियल रिडक्शन इज डन सच दैट इट अलाइंस द एबटमेंट्स पैरेलल टू वन अनदर। और एबटमेंट होता है कि आपका जो एडजेसेंट टूथ है उसे हम एबटमेंट कहते हैं। बट इन मैंडिबुलर प्रीमोलर द टूथ इज इंक्लाइन बाय 9 degrees, हेंस द प्रिपरेशन इज ऑल्सो इंक्लाइन इन द सेम एंगल टू अवॉइड एक्सेसिव टूथ रिडक्शन। जो अदर फीचर्स हैं जो ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज करती हैं वो सब है ऑफसेट ग्रूव, ऑक्लूजल शोल्डर, इस्थमस और प्रॉक्सिमल बॉक्स। अब जो मेन चीज़ आती है वो है मार्जिनल इंटीग्रिटी। मार्जिनल इंटीग्रिटी होता है मार्जिनल एडेप्टेशन एंड द सीटिंग ऑफ द रेस्टोरेशन अफेक्ट मार्जिनल इंटीग्रिटी। पुअर मार्जिनल एडेप्टेशन विल लीड टू परकोलेशन ऑफ ओरल फ्लूइड्स, मार्जिनल लीकेज एंड सेकेंडरी केरीज। कास्टिंग श्रिंकेज में लीड टू मार्जिनल डिस्क्रिपेंसी। द मोस्ट डिस्क्रिपेंसी इज अराउंड 10 माइक्रो। द ल्यूटिंग एजेंट यूजली कम्पेंसेट फॉर द डिस्क्रिपेंसी बाई कम्प्लीटिंग मार्जिनसी। तो बेसिकली मार्जिनल इंटीग्रिटी क्या होता है? अगर अच्छे से कैप सीट नहीं करी या फिर अच्छे से टूथ प्रिपेयर नहीं हुई है तो वहाँ पे परकोलेशन हो सकता है ओरल फ्लूइड्स का। ओरल फ्लूइड का परकोलेशन होने पे सेकेंडरी केरीज भी हो सकती है, माइक्रो लीकेज भी हो सकती है। इसीलिए टूथ प्रिपरेशन जब आप करते हो तो मार्जिनल इंटीग्रिटी प्रॉपर होनी चाहिए। ओके, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया द मार्जिन ऑफ अ रेस्टोरेशन शुड बी प्रेफरेबली प्लेस सुपरा जिंजाइबली बिकॉज इट हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। इट कैन बी इजिली फिनिश्ड, इजिली मेंटेन, इजी टू आइडेंटिफाई एंड रिप्रोड्यूस ड्यूरिंग इंप्रेशन मेकिंग, इजी टू एग्जामिन ड्यूरिंग फ्यूचर विजिट्स। अब सब जिंजाइबल इसे कहते हैं। सब जिंजाइबल जो जिंजाइबा और सर्वाइकल लाइन के नीचे जो बीच की है उसे सब जिंजाइबल कहते हैं। सुपरा कहते हैं जो क्राउन के बीच से हम देखेंगे उसको। ओके ना, और जो इंडिकेशन हैं उसके होंगे फॉर टीथ विथ शॉर्ट क्लिनिकल क्राउन्स। अगर क्राउन टूथ का छोटा है तो वहाँ हम दे सकते हैं।
teeth affected by subgingival caries or cervical erosion where crown lengthening cannot be performed. और जिसमें क्राउन लेंथनिंग परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि वो सर्वाइकल इरोजन के कारण छोटा पड़ गया या फिर इरोड हो चुका है, उसमें नहीं देंगे, उसमें देंगे सॉरी इफ द कॉन्टैक्ट एरिया इज प्रेजेंट एट बिलो द जिंजाइवल क्रेस्ट, अगर जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो जिंजाइवल क्रेस्ट के नीचे है तो, और जहाँ पे एस्थेटिक इसे कंसर्न होती है तो वहाँ पे देंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ओवर टेपर्ड प्रिपरेशन कैन बी करेक्टेड बाय मूविंग द फिनिश लाइन सब जिंजाइवल, अगर सब जिंजाइवल हम ओवर टेपर्ड प्रिपरेशन करेंगे तो प्रिपेयर करेंगे तो ओवर टेपर्ड प्रिपरेशन करेक्ट कर सकते हैं, अगर फिनिश लाइन हम सब जिंजाइवली देते हैं तो। शैलो कैवो सर्फेस बेबल्स में लीड टू चिपिंग ऑफ रेस्टोरेशन, तो इस तरह से हमें प्रिपेयर नहीं करनी है, शैलो कैवो सर्फेस बेबल्स नहीं देनी है हमें, क्योंकि अगर हम देंगे तो ये रेस्टोरेशन चिप ऑफ हो सकती है। इम्प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन कैन लीड टू टिपिंग वो लिपिंग सॉरी इम्प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन कैन लीड टू लिपिंग, इम्प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन करेंगे तो लिपिंग भी हो सकती है, जो हमें आइडियली चाहिए होता है वो हमें नहीं मिलेगा, ये करेक्ट है या रॉन्ग है। अब बात करते हैं शैम्फर के बारे में, द फिनिश लाइन पोजेस अ कर्व्ड स्लोप फ्रॉम द एक्सल वॉल टिल द मार्जिन, इट कैन बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ टॉर्पिडो डायमंड पॉइंट, द सेम डायमंड पॉइंट व्हेन यूज टू रिड्यूस मोटर स्ट्रक्चर विल फॉर्म अ डीप शैम्फर फिनिश लाइन, इट इज द फिनिश लाइन ऑफ द चॉइस, जो फिनिश लाइन ऑफ चॉइस फॉर कास्ट मेटल रेस्टोरेशंस एंड लिंगुअल मार्जिन ऑफ मेटल सिरामिक रेस्टोरेशंस, इट इज़ नॉट इंडिकेटेड फॉर एनी रेस्टोरेशन वेयर द फिनिश लाइन विल बी ऑब्वियस, जो फिनिश लाइन ऑब्वियस होती है तो शैम्फर फिनिश लाइन हम लोग नहीं देते, इसका होता है लेस स्ट्रेस एंड गुड सक्सेस रेट, स्ट्रेस कम होता है और सक्सेस रेट ज़्यादा होता है। हैवी शैम्फर तब प्रोवाइड करते हैं जब 90 डिग्री के एबव सरफेस एंगल विद लार्ज राउंडेड रेडियस होती है, इंटरनल एंगल होती है तब। इम्प्रॉपर रिडक्शन विल प्रोड्यूस एन अनडिजायरेबल फ्रेजाइल पीस ऑफ इनामल लिपिंग, अ बेबल कैन बी एडेड टू द हैवी शैम्फर फॉर कास्ट मेटल प्रिपरेशंस, दिस फिनिश लाइन इज अ जिंजाइवल फिनिश वॉल परपेंडिकुलर टू द एक्सल सर्फेस ऑफ द टीथ। शोल्डर की बात करते हैं, शोल्डर फिनिश लाइन इज प्रिपेयर्ड फॉर ऑल सिरामिक रेस्टोरेशंस वेयर सफिशियंट थिकनेस ऑफ द मार्जिन इज रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रक्चरल ड्यूरेबिलिटी, ऑल एंटीरियर रेस्टोरेशंस आर फैब्रिकेटेड विद द शोल्डर मार्जिन और एस्थेटिक इज द प्राइमरी कंसर्न, शोल्डर फिनिश लाइन तभी देंगे जब हमको एस्थेटिक कंसर्न रहता है पेशेंट का तब देंगे, और शोल्डर विद बेबल जो है रेडियल शोल्डर फिनिश लाइन देंगे 90 डिग्री का हम लोग, ओके शोल्डर विद बेबल फिनिश लाइन देख सकते हैं। एडवांटेज क्या क्या है फिनिश लाइन का, एज इन कंट्रोलिंग द रेस्टोरेशन, इंप्रूव्स बर्निशेबिलिटी, मिनिमाइजेज द मार्जिन डिस्क्रिपेंसी, इट प्रिवेंट्स अनसपोर्टेड प्रिपेयर मार्जिन फ्रॉम चिपिंग, चिप होने से बचाता है। तो बेसिकली बेबल प्रिपरेशन जो है वो हमें देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अनबेबल प्रिपरेशन देते हैं मार्जिन डिस्क्रिपेंसी होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज एंगल ऑफ मार्जिन इज अराउंड 90 डिग्री। ओके तो लास्ट में हम लोग आते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ पेरिडोनशियम में, द प्लेसमेंट ऑफ फिनिश लाइंस इन्फ्लुएंसेस द फैब्रिकेशन ऑफ रेस्टोरेशन एंड द फाइनल आउटकम ऑफ द ट्रीटमेंट, फिनिश लाइन शुड बी प्लेस्ड इन एक्सेसिबल रीजन सो दैट द मार्जिन ऑफ द रेस्टोरेशन कैन बी इजिली फिनिश बाय डेंटिस्ट एंड इफेक्टिवली क्लीन बाय द पेशेंट। बेसिकली अगर हम प्रिजर्व करते हैं पेरिडोनशियम को तो इन फ्यूचर जब हम इन पास्ट जब हमने टूथ प्रिपेयर किया था तो प्रिजर्व किया था पेरिडोनशियम, इन फ्यूचर अगर ये मेजर्स हम लोग लेते हैं तो ये मेजर्स लेने के कारण हमारा पेरिडोनशियम जो है वो सेफ हो जाता है और हमें कोई मतलब पैथोलॉजी या फिर कोई जैसे ब्रेक होना रेस्टोरेशन का वो नहीं होता। तो देखिए अभी लिखा था फिनिश लाइन शुड बी एटलीस्ट 3 mm अवे फ्रॉम द एल्वियोलर क्रेस्ट टू प्रिजर्व द पेरिडोनशियम, 3 mm अवे होना चाहिए पेरिडोनशियम से सो दैट इन फ्यूचर कोई डिस्क्रिपेंसी या कोई पैथोलॉजी या फिर क्रैक ऐसा कुछ ना बने। तो आज के लिए बस इतना ही था, और नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ फुल विनियर क्राउन्स, जो होते हैं ना जैसे कि फुल विनियर क्राउन्स, पोर्सिलेन फ्यूज मेटल, ऑल मेटल सिरामिक, तो उस टाइप्स के जितने भी हैं, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है ऑल मेटल फुल विनियर क्राउन्स, तो जितने भी हैं हम नेक्स्ट टाइम उसका बताएंगे, उनके टाइप्स होते हैं, उनके टाइप्स पे हम क्राउन कट करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारे इसके डेमो पे कि क्राउन कट कैसे होती है। तो ये था आपका थियोरेटिकल पार्ट, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपको समझ में आया होगा तो एक बार जाके ज़रूर किताब पढ़िएगा। और हाँ, मैंने ये जो है ये मैंने नल्ला स्वामी से एक्चुअली रेफ़र की है, नल्ला स्वामी में अच्छे से दिया गया है, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो नल्ला स्वामी रेफ़र कर सकते हो, अगर आप उससे भी टॉप स्टूडेंट हो या ब्राइट हो आप फिर भी रेफ़र कर सकते हो इसको और पढ़ सकते हो, यहाँ पर बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से दिया गया है जिसको आप, ये मेरी एक्चुअली बुक है, मेरी बुक है एक्चुअली है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा, लाइक करिएगा वीडियो, सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू, बाय बाय।